कभी नहीं सोचा था कि चंदू ऐसा करेगा। ये लो चिकन लॉलीपॉप। अब मैं दो दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी लो। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और वो वहां हंस रही है। मॉम क्या है ये? डॉक्टर मित्रा प्लीज टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपको और मेरी मॉम को प्रॉब्लम है। गुस्सा। क्या लिखा? क्या लिखा आपने? क्यूरियोसिटी। बताइए क्या लिखा है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ और आप है कि लिखते जा रहे हैं। हद हो गई, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे। फ्रस्ट्रेशन। यू कैन गो। डॉक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? आप ये सब क्यों लिख रहे हैं? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। स्प्लिट पर्सनालिटी। यू कैन गो। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम? एक्चुअली वो लड़की US में एक लड़के से मिली थी। वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ दिन तक घूमती रही। वो लड़की नहीं जानती थी कि उसे वो लड़का पसंद है या नहीं। और वो दोनों एक दिन एक दूसरे से मिलना चाहते थे, पर वो लड़की उसे बिना बताए ही आ गई। उसी गिल्ट फीलिंग में है, यही सोच रही है कि उसने सही किया या गलत। उस लड़के को बताकर आना चाहिए था ना डॉक्टर। तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम? मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की। समझ गया। यू कैन गो। व्हाट? यू कैन गो मिस मेघा सुब्रमण्यम। प्रॉब्लम सॉल्व। यस मित्रा। मिसेस सुब्रमण्यम, लड़की को US में किसी से प्यार हो गया है। अच्छा। टेक केयर। ओके थैंक यू। मेघा, US में किसी से प्यार करती थी। किसने कहा आपसे? किसने कहा? डॉक्टर मित्रा ने बताया। उसका सिर। मैं अपने बारे में नहीं, आशु के बारे में बात कर रही थी। आशु की प्रॉब्लम बताई उसे। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम रिश्ते देखें? देख लीजिए। This is our company's 10th anniversary. I would like to say a few lines. इन्हें English में quotes समझ लीजिए या हिंदी में जीवन सत्य समझ लीजिए, लेकिन सुनिए। कहते हैं behind every successful man there is a woman. Exactly sir. बकवास। समझ नहीं आया? शॉक हो गया? हमारे ऑफिस को ही ले लो, मेरे बाद मेरे जितना प्रोग्रेस उसने किया है। कभी सोचा है क्यों? नो सर। क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था और उसका ब्रेकअप। सो सैड सर। अगर जिंदगी में लड़की ना हो तो वो फोकस ही अलग होता है। रॉकेट, रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं। यू नो, व्हाट्सएप पर सारी रात ऑनलाइन रहना, घर जाने से पहले मैसेजेस डिलीट करना, सिगरेट पीने के बाद किसी को पता ना चले इसलिए माउथ वॉश करना, जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है इसलिए इतना सक्सेस मिला है। आपकी फैंटास्टिक स्पीच पर एक मार्वेलस डाउट है सर। हाँ तो बोलना, मुझे डाउट्स बहुत पसंद है। क्या मैं लाइफ में आपकी तरह बन रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर। थैंक यू भैया। क्या मैं लाइफ में इनकी तरह बन रहा हूँ? नशे में है सर ये। मैं इसके जैसा लोनर हूँ, इसके जैसा लूजर हूँ, इसके जैसा सेडिस्ट हूँ। इरिटेशन हो रही है मुझे कि मैं तेरी तरह बन रहा हूं, तू मेरी तरह नहीं है। समझ गए?
मुझे समझ में आ रहा है भैया, जिंदगी में एक प्यार तो होना ही चाहिए, वरना देख लो ऐसी हालत हो जाती है। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूं जो तू सुन रहा है। भैया पहले ये शर्ट निकाल, ग्लास में पकड़ लेता हूं। पकड़ लो पर पीना मत। शर्ट निकाल, निकाल रहा हूं। नशे में चल। जिंदगी में एक साथ ही होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे आउटडेटेड कपड़े पहनकर निकलते हैं तो वो मुंह पर बताता है कि हम कितने फटीचर लग रहे हैं। किसी बात पर नकली हंसना, कोई काम सिर्फ पैसों के लिए करना और जिससे प्यार हो उसका साथ ना होना, ये तीनों सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहले जमाने में जो सब कुछ त्याग दे उसे सन्यासी कहते थे, लेकिन आज के जमाने में उसी को सक्सेस कहते हैं। मुझे फुल क्लैरिटी मिल गई है, घंटी बज गई है। क्या क्लैरिटी मिली बताना जरूरी है? मत बताओ, चलो। पद्दू, यहां जो हुआ किसी को बताना मत। ब्रो, क्या तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? सब समझ रहा हूं। क्या तुम जानते हो एक साल में क्या क्या हुआ होगा? ब्रो, उसकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे, वर्स्ट केस में मर गई होगी। अगर मर भी जाए तो रोज समाधि पर जाके फूल चढ़ा दूंगा, लेकिन जाऊंगा। बाय भैया। हे आशु, हाउ आर यू बेब? लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? यहाँ कैसे आई? माँ को ड्रॉप करने आई थी, और तुम यहाँ पर कैसे? एमआर को ड्रॉप करने आया था, वो इंडिया जा रहा है। ओह, वो जो लास्ट मायामी में मिला था। हाँ, मायामी के बाद मिलना चाहते थे लेकिन कभी मिल ही नहीं पाए। तुम लोग आए थे? आप लोग नहीं आए थे? उस दिन काम था तो मैं और मेघा आ नहीं पाए थे। अच्छा। तुम लोग आए थे क्या? नहीं, हुआ ये कि हम भी उस दिन ऑफिस में बहुत बिजी थे, मंथली टारगेट्स एंड ऑल, यू नो, हम भी नहीं आ पाए थे। नो, वी डिडंट कम। ऑफिस में बहुत काम है। आई विल सी यू। बाय। दो रातें बिना नींद के गुजारने के बाद, 9000 मीलों का सफर करने के बाद मैं यहां आया। बस वो रेड जीप मिलेगी। वैसे शहर में अमीर लोग कहां रहते हैं? जिम में। बस इस शहर में पैसे वाले लोग कहां मिलेंगे? टी एस्टेट में। मुझे टी एस्टेट का रास्ता चाहिए था। तो किसी को पूछ लो ना यार, इस शहर का हर इंसान आइटम लगता है। ये भैया बिना फोन करके परेशान कर रहे हैं। लड़की कहाँ है बेटा? वो लोग ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये फोन पे क्या कर रहा है? स्नेहित, फोन दो मुझे। नहीं। रुक जा बेटा। अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा। प्लीज मम्मी, प्लीज एक ही गेम, प्लीज मम्मी एक ही गेम खेलूंगा, प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है, मैडम प्लीज।
शराब के नशे में तूने इतनी बार फोन किया कि आना ही पड़ा। इस वरवधु को आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं है। इससे जाने को कह दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहाँ जा रही है? नशे में तूने इसकी माँ को टक्कर मार दी और शादी रुक गई। बेटी जी, हुआ क्या था बताओ? लास्ट मिनट में जब मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे तब टक्कर मार दी, पैर टूट गया। एक हफ्ता रेस्ट करने को कहा है। टक्कर मारने वाला वो इडियट कौन था? वो रहा। कब से फोन कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? उस दिन नहीं गई थी इसलिए गिल्टी फील कर रही थी ना, वो भी नहीं आया था। तुझे किसने बताया? किसी और की बात मैं क्यों मानूंगी बता, विलास ने खुद बताया। ठीक है भाई। पापा। डोंट वरी बेटा। माँ कैसी है बेटी? पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक ही है, बाद में कैसी होगी पता नहीं। पागल है ये। धीरे बोलिए। इतना जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट किसने किया? उसने। हे, यही है वो। तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे सर? शादी में आया था। कितने महान हैं आप सर, वो लड़की आपको जिंदगी में एक बार मिली लेकिन उसकी शादी देखने आप इतने दूर चले आए। अरे मैं देखने नहीं, शादी करवाने आया हूँ। दूल्हा मेरा बेटा है। मैंने उसी दिन कहा था ना, लड़की मुझे पसंद आ गई है। सर विजिटिंग आज खत्म हो गए हैं, प्लीज सब लोग बाहर जाइए। इतना बड़ा घर किसका है यार? उसी लड़की का। और ये बुके? उसकी माँ के लिए। देकर आएगा क्या? सॉरी कहकर आऊंगा। माँ को या बेटी को? मैं अभी आया। मैं भी आऊं क्या? मैं वहां उनके साथ बैठकर शराब पीने जा रहा हूँ क्या? तुझे तो मैं ठीक है बॉस, ठीक है। ये यहाँ क्यों आया है? आंटी से मिलकर आता हूँ सर। टक्कर मारकर फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाते हैं। तुम्हारे गांव में टक्कर मारने के बाद खाली हाथ आते? ड्राइविंग नहीं आती तो सीखनी चाहिए था ना, लेकिन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दोगे क्या? मुझे तो लग रहा है तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। मार देना चाहिए था? क्या आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। हेलो आंटी। दीदी, एक्सीडेंट इसी ने किया था। ओह, ये फूल आपके लिए। लगता है सब बहुत अपसेट हैं। और नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो तुम? सेटल हो गया हूँ आंटी, सेटल हो गया हूँ। बड़ी कार खरीदी है, आपकी तरह है। घर भी बनवा रहा हूँ आंटी, काफी बड़ा है, इतना ही बड़ा होगा। अच्छा, मार्बल भी लगवा रहा हूँ, ऊपर कारपेट डाला है। आंटी मेरा कार्ड काट लीजिए ना, ये देखिए, कुछ जरूरत पड़े तो। No. यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आंटी? हाँ यहीं, यहाँ।
शादी में आया होगा। हाँ बिल्कुल, शादी में आया होगा तो मंडप में होना चाहिए। सड़क पर क्या कर रहा था? ट्रैफिक में अटक गया होगा ना। ट्रैफिक में टक्कर कैसे लग जाती है? वो जल्दी में रहा होगा ना। चाय पियेंगे आप? पागल, मैं तो कॉफी पीती हूँ ना। आंटी मेघा कहाँ है? वो नहीं है बेटा, अपनी बहन को पिक करने स्टेशन गई है। ओके आंटी, ठीक है आंटी, चलता हूँ, थोड़ा काम है। ओके बाय, गेट वेल सून आंटी, बाय अंकल। क्या यार, शादी पोस्टपोन हो गई, ऐसा स्टेटस डाला तो 100 लाइक्स मिले हैं। आई हेट इट। सॉरी सर, मेरी वजह से शादी रुक गई। उसमें क्या है, कोई बात नहीं, सीरियस होने की जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल सही। वैसे भी आजकल शादी के मुहूर्त की कमी नहीं है। हा? तुम तो ठीक हो ना, इंपॉर्टेंट ये है। वैसे भी ये टेंट, चेयर, खाना पीना अपने हिसाब से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, पर मुझे एक छोटा सा डाउट है। बुलाने पर ना आते तो ये समझ लेते कि इस वक्त तुम बिजी होगे, पर तुम तो बिना बुलाए आ गए, इसे मैं क्या समझूं? खैर तुम रेस्ट कर लो, काफी थक गए होगे। मैं सही कह रहा हूं ना? गेट सम रेस्ट। सर, ये बिन बुलाया आया, आपको कैसे मालूम? वो मुझसे माफी तो मांग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट नजर नहीं आ रहा। उसकी आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही हैं।